हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक ऑफ अकाउंटिंग या इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं, फिर भी मैं इस लेक्चर में आपको रिवीजन बताऊंगा अकाउंट का, ठीक है? यानी कि अकाउंट कहाँ यूज़ होता है और कैसे अकाउंट का इस्तेमाल हम करते हैं, कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पर अकाउंटिंग की नीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। देखिए, अकाउंटिंग इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन अ पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरफॉर। मतलब इसका ये है कि अकाउंटिंग एक कला है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स पैसों से रिलेटेड या उधारी वाले जो ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं, यानी कि नगद और उधारी के जितने भी काम या जितने भी हम पैसों का लेन देन करते हैं, उनका व्यवस्थित तौर पर लेखा जोखा, लेखापाल यानी कि किताब में हम करके रखते हैं उसको, उसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल अकाउंटिंग की हम बात करें तो पिछले ज़माने में लाला मुंशी लोग होते थे। यानी आप देखा होगा मूवीज़ में कि एक गांव का साहूकार होता था, उसके पास एक लाला होता था, वो लाला उनकी सारी ट्रांजेक्शन्स को, मनी को पूरा को कंट्रोल करके रखता था जी, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना देना है, किससे कितना ब्याज लेना है, ये सब उस व्यक्ति को पता होता था। एक्चुअली क्या था, पिछले ज़माने में कुछ सालों पहले तक ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी लोगों के पास बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा लोग ईमानदार हो जाते थे या मिलते थे। आज की डेट में ऐसा नहीं होता। आज की डेट में हमें ईमानदार व्यक्ति मिलना एक बहुत ही मुश्किल काम है, या हम ये कहें कि आज के समय में हम किसी पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते, ठीक है? तो अब क्या करें? अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो इतने बड़े बिजनेस में करोड़ों का जो लेन देन है, उस लेन देन को किसी व्यक्ति के भरोसे कैसे छोड़ दें, ठीक है? क्लियर? तो पहले तो क्या होता था कि जो लाला होते थे, जो मुंशी लोग होते थे, उनके पास टेक्निक होती थी उसको मैनेज करने की, और पहले के ज़माने में बिजनेस में इतने ट्रांजेक्शन्स भी नहीं होते थे, ठीक है? तो गांव की बात है, छोटा सा गांव है, 100-200-500 लोगों का गांव होता था, उसमें कितने लोग किससे उधार लेते हैं सब एक दूसरे को जानते हैं, तो उसका डिटेल रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता था। लेकिन आजकल के जो बिज़नेस होते हैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर हम करते हैं, हम शहर से बाहर बिज़नेस पहुंचाना चाहते हैं, हम नेशनल लेवल पर काम करना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी हम बिज़नेस करना चाहते हैं, तो इतना ज़्यादा लेन देन जब देश विदेश में होगा तो उसका भी हमें ख्याल कैसे रखना है, उसका जो पैसा का जो हेर फेर है या जो ट्रांजेक्शन ऑफ मनी है उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? किसी भी बिजनेस की सबसे इम्पोर्टेंट जो नींव होती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका डिपार्टमेंट होता है, वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ही होता है। जब आपका पैसा होगा तभी तो आप बाकी लोगों को सैलरी दोगे ना, तभी तो आप डिफरेंट डिफरेंट काम को कर पाओगे। अगर आपका पैसा नहीं होगा तो आपके सारे बिजनेस आइडियाज़ रुक जाएंगे, आपकी पूरी प्लानिंग, आपने कुछ नए प्रोजेक्ट पर भी इन्वेस्टमेंट किया है, वो सब रुक जाएगा। तो सबसे पहला काम है कि हम प्रॉफिट बना के चलें, जितने भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में होते हैं हम सब उन ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करके चलें, तब तो हम आगे तक काम कर सकते हैं, ठीक है ना? अब देखिए नीड क्या है अकाउंटिंग की। जैसे नीड में आपको बता रहा था कि अगर अकाउंटिंग ठीक से हम कर पाएँ तो उसके द्वारा हम लॉन्ग टाइम तक बिजनेस को चला सकते हैं, यानी कि बिजनेस में एक एक रुपये का हेर फेर ना हो, एक भी रुपए का हेर पे ना हो और हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहे, इसके लिए हमें बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना? आज के ज़माने में देखिए हम टैली देखते हैं और बहुत सारे ऐसे कुछ एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनके द्वारा हम बहुत अच्छे तरीके से अकाउंटिंग को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना? यानी कि सारा काम कंप्यूटराइज होता है। हाँ, कोई व्यक्ति उसे ज़रूर चलाता है, लेकिन अगर कल को वो व्यक्ति नौकरी पर नहीं आता है या किसी कारण से वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है तो भी आपका सारा रिकॉर्ड उस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव है। आप किसी और व्यक्ति को हायर कर लीजिए और वो अगर ठीक से वो टैली या वो सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर को चलाना जानता है तो वो आसानी से उस काम को कंटिन्यू कर लेगा, ठीक है ना? तो सारा काम आजकल हम कंप्यूटराइज करते हैं, यानी कि अकाउंटिंग भी अगर हम आज देखें तो मॉडर्न अकाउंटिंग जो है वो कंप्यूटराइज हो गई है, सारा काम डिजिटल
होता है। आप पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, अभी फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, तो इनमें भी देखिए जितने भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं सारे के सारे ट्रांजेक्शन बैंक के किसी सर्वर पर जाकर स्टोर हो जाते हैं। यानी कि आप फ्यूचर में ये देख सकते हो कि मैंने 100 रुपये किसको दिए थे और कब दिए थे, ये भी बहुत आसानी से पता लगा जा सकता है, क्योंकि सारा काम कंप्यूटराइज्ड है और कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है बहुत शार्प होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें करोड़ों लोगों का ट्रांजेक्शन आसानी से सालों साल रखा रह सकता है बिना किसी टेंशन के। कंप्यूटर को भूलने की भी कोई बीमारी नहीं होती, तो आसानी से लंबे समय तक ट्रांजेक्शन्स को देखा जा सकता है, स्टोर करके कंप्यूटर में रखा जा सकता है। तो आज के डेट में हम बात करेंगे तो हम मॉडर्न अकाउंटिंग की ही बात करेंगे। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम, बही खाता बनाना, रजिस्टर बनाना, ये सब तो हो गया है ख़त्म। ठीक है, अगर देखिए आप किसी गांव में देखिए या किसी सरकारी दफ्तर में देखिए कि सारा काम पहले रजिस्टर्स के अंदर होता था, रजिस्टर पर रजिस्टर भरे होते थे, और एक समय ऐसा था कि वो रजिस्टर या तो दीमक खा गई, चूहों ने काट दी, या पानी वानी में वो ख़राब हो गए, तो वो पूरा का पूरा जो ट्रांजेक्शन होता था या जो रिकॉर्ड होता था वो ख़राब हो जाता था। तो अभी आप देखिए सारे डिपार्टमेंट्स डिजिटल हो गए हैं, कलेक्टर डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट, नगर निगम डिपार्टमेंट, ये सारा काम डिजिटल फॉर्म में हो गया है। यानी कि सब कुछ अब कंप्यूटर के अंदर है होता है, रजिस्टर वाला कोई काम मैनुअल वर्क हमें ज़्यादा देखने नहीं मिलता। तो ये इम्पोर्टेंस है अकाउंटिंग की। यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ले लें या कोई भी प्राइवेट इंटरप्राइज ले लें, हर जगह अकाउंटिंग की नीड है। ठीक है ना, बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करना ही अकाउंट है, उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, सिस्टमेटिक उसको लेन देन को चलाना ही अकाउंटिंग कहलाता है। अब देखिए यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, जैसे मैं आपको बता रहा था, एक ये डायग्राम है, इससे आप समझिए कि किस तरीके से अकाउंटिंग को फॉलो किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, जिस तरीके से डायग्राम में दिखा है कि ओनर्स से यहाँ पर इन्वेस्टर के पास पैसा आता है, वहाँ से उधारी में जाता है, फिर इंटरप्राइज के एम्प्लॉयज़ के पास सैलरी जाती है, एम्प्लॉयज़ वो पैसा टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट से वो पैसा फिर किसी और काम में इन्वेस्ट होता है, और फिर वही पैसा या वही टेक्नोलॉजी या वही सर्विस फिर पब्लिक तक पहुँचती है, और वो पैसा फिर वहीं की वहीं घूमता रहता है। ठीक है ना, तो ये एक साइकिल है गाइस, है ना, ये पैसे की एक फ्लो है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर हमें इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ने मिलता है, खैर इकोनॉमिक्स तो आपको ज़्यादा है नहीं, तो बिजनेस स्टडीज के फॉर्म में हम इस साइकिल को ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो समझ ही सकते हैं। अकाउंटिंग का साइकिल, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जिस तरीके से आप अकाउंट को मैनेज करते हैं वो अकाउंट का फ्लो क्या है, यानी कि मॉडर्न अकाउंटिंग में हम कैसे अकाउंट को मैनेज करते हैं, तो तीन इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं अकाउंटिंग के जो इस साल आपको पढ़ने हैं। पहला है जनरल, दूसरा है लेजर, तीसरा है ट्रायल बैलेंस, और चौथा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है ना, इस सारे के सारे जो टर्म्स मैंने आपको बताए इनके चैप्टर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ये चैप्टर्स के फॉर्म में आपको अवेलेबल हैं, यानी कि जब भी आप कोई अकाउंटिंग करते हैं तो मान लीजिए आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, या तो आपने किसी को प्रोडक्ट बेचा होगा या तो खरीदा होगा, या तो आपके पास पैसा आया होगा या पैसा गया होगा, इन दोनों ही सूरत में आप या तो एक्सेप्ट कर रहे हैं या कुछ चीज़ किसी को दे रहे हैं, तो ये एक ट्रांजेक्शन कहलाएगा। ठीक है, हमने किसी को 50 रुपये का सामान बेचा और हमें उसने 50 रुपये कैश दे दिए, तो ये एक ट्रांजेक्शन कहलाएगा। हमने कुछ प्रोडक्ट खरीदा था, किसी की मशीनरी हमने अपनी ठीक करवाई, हमने कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया, एक्सपेंसेस किए, तो हमने उसको उसका पैसा दे दिया, 500 रुपये, 1000 रुपये जो भी उसके सर्विस चार्ज थे वो हमने दे दिया, ये भी एक ट्रांजेक्शन है। तो आपके बिजनेस में पैसा आए या पैसा जाए, दोनों ही सूरत में हम उसे एक बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा काम इस साल हम अच्छे से समझेंगे कि अकाउंटिंग कैसे फॉलो होती है। ठीक है, जनरल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है। ठीक है, तो फाइनली हम देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट कैसा रहा, यानी कि मंथ ऑफ एंड में, एंड ऑफ मंथ में हम देख पाएंगे कि हमने इस मंथ में कितना ट्रांजेक्शन किया। ठीक है ना, लॉस रहा कि हमें प्रॉफिट रहा, ये भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हमने
उस ट्रांजेक्शन को व्यवस्थित तौर पर रिकॉर्ड किया है, और ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक अगर आप रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि अगर आपके पास पैसा आया है तो आपने लेफ्ट वाले साइड में लिख लिया उसको कॉपी में, अगर आपके पास पैसा गया है तो आपने राइट वाले साइड में लिख लिया, ये जो लिखने का जो तरीका है दैट इज़ कॉल्ड जनरल। ठीक है, तो यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन आप मंथ में करते हो उसका आपको एक जनरल बनाना है। क्या बनाना है? जनरल बनाना है। हिंदी मीडियम के बच्चे अगर आप सुन रहे हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी हैं, सभी को ये शब्द इंग्लिश में ही पढ़ने हैं। ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज होती हैं, यानी कि जनरल एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो आपको हर बार देखने को मिलेगा जहाँ जहाँ आप अकाउंटिंग देखेंगे। तो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, ये शब्द आपको एज इट इज़ ही समझने हैं, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ये कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ हैं अकाउंटिंग की, और आगे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आएंगी जो हम अकाउंट शुरू करने के पहले मैं चाहता हूँ आप एक बार उनको भी समझ लें। ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, क्लास 11th की बुक के अंदर आपको ये सब मिल जाएंगी। तो हम इंट्रोडक्शन के पहले हम इन सब चीज़ों को समझेंगे ताकि 12th में जब हम पहुँचें तो हमारा अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही स्मूथली चले। क्लियर कि नहीं क्लियर है? मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है। इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, यानी कि अकाउंट क्या होता है, कैसे काम करता है, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है ना, तो जिस प्रकार से हम इस लेक्चर को देख रहे हैं इसमें पूरा का पूरा हमने इंट्रोडक्शन ही देखा है अकाउंट का। इसमें अभी हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई हमने अभी सवाल सॉल्व नहीं किया, हमने कोई एंट्री नहीं की, हम सिर्फ समझ रहे हैं कि ये सब होता क्या है। अगर ये सब समझ में आ गया तो 2-3 लेक्चर के बाद आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे इस सब्जेक्ट के बारे में। क्लियर कि नहीं क्लियर है? तो अगले लेक्चर में हम इसके आगे की कुछ चीज़ें देखेंगे और अकाउंटिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ क्या क्या होती हैं, यानी कि ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हमें बार बार अकाउंट में सुनने को मिलेंगे, उन शब्दों का मीनिंग क्या होता है वो भी हम अगले लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें और रिपीट करके देखें अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। अकाउंट की नीड क्या है, अकाउंट की इम्पोर्टेंस क्या है, यही हमने इस लेक्चर में आज डिस्कस किया है। ये एक रिवीजन लेक्चर है, अगले लेक्चर में हम अकाउंट को और क्लियर से समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।